अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू समरीन एंड इमरान्स किचन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही शानदार और लजीज वेजिटेबल चीज पिज्जा की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पिज्जा का बेस रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक बॉल ले लिया है जिसमें सबसे पहले हम यीस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है फ्रेंड्स, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 3 कप्स मैदा लिया है और अब हम इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा डो रेडी है। अब हमने इसको कवर कर दिया है और अब हम इसको ऐसी जगह पर रख देंगे जो थोड़ी सी वार्म हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो अब डबल हो गया है। हमने इसे लगभग 4 घंटे के लिए माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डो से 2 बॉल्स रेडी कर ली हैं, जिससे हम 2 पिज्जा के बेसिस बना लेंगे। रोलिंग पैन को यूज करके फ्रेंड्स, अब हम पिज्जा का बेस रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पिज्जा बेस रेडी है और हमने इसको पिज्जा ट्रे में रख दिया है। अब हम इसमें पिज्जा सॉस को ऐड करेंगे। पिज्जा सॉस बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें चीज ऐड करेंगे। मैंने पार्मेसन चीज लिया है, आप चाहें तो कोई डिफरेंट चीज भी ले सकते हैं। तो चीज ऐड करने के बाद हमने इसमें सबसे पहले कैप्सिकम ऐड कर लिए हैं। कैप्सिकम ऐड करने के बाद अब हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। अब अनियन ऐड करेंगे। अब मशरूम ऐड करेंगे। मशरूम ऐड करने के बाद अब हम इसमें कॉर्न ऐड करेंगे। कॉर्न ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें अलिफ्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ग्रीन अलिफ्स लिए हैं, आप चाहें तो ब्लैक भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें एक और लेयर चीज की लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब फाइनली पिज्जा लेयर के ऊपर हम ओरिगैनो लीव्स को ऐड करेंगे। अब हम अपने पिज्जा को ओवन में रखेंगे। हमने ओवन को लगभग 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं पिज्जा का ओवन में रखे हुए और हमारा पिज्जा अब रेडी है। आइए चलकर इसको निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पिज्जा कितना शानदार तैयार हुआ है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबुएं भी आ रही हैं। तो अब हम पिज्जा को पिज्जा कटर की हेल्प से कट कर लेते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पिज्जा बहुत ही शानदार बनकर रेडी हुआ है, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।